आज मैं बना रही हूँ ओट्स का उपमा। आज चालू रखी हूँ मैं, और ये गोल वाला ओट्स है, ये उपमा बनाने के लिए। इसको थोड़ा सेकती हूँ। एक कटोरी है, दो मिनट इसको गर्म करती हूँ। दो मिनट हो गया है, इसे निकालती हूँ। थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म हुआ है, थोड़ा सा राई, थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ, कड़ी पत्ता, छोटा एक कांदा काटी हूँ, और एक मिर्ची है, हरी मिर्ची। और आधा गाजर है, इसको भी छोटा छोटा करके काटी हूँ। शिमला मिर्च है, ये भी आधा काटी हूँ। ये सब भाजी पकने के लिए थोड़ा सा नमक डालती हूँ, जल्दी पक जाता है। पाँच मिनट हो गया है, पक गया है सब सब्जी। इसमें काजू डाल रही हूँ, और ये फ्रोजन मटर है, वो भी दो चम्मच डाल रही हूँ। एक कटोरी मैंने ओट्स लिया है, तीन कटोरी अभी पानी डाल रही हूँ इसमें। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। पानी में उबाल आ गया है, अभी ओट्स डाल रही हूँ। पकने के लिए 5-10 मिनट लगेगा इसको। गैस को मैंने धीमे कर लिया है, पहले मीडियम रखी थी, अभी धीमे कर लिया है इसको। ये अभी हो गया है, उपमा बन गया, सब पक गया है। ये आधा नींबू का रस, थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ, आधा चम्मच। गैस बंद कर लिया है। धनिया डाल रही हूँ ऊपर से, आप भी ट्राई कीजिए। ये है, और 15 मिनट में बन जाता है ये।